गरियाबंद जिले में ग्राम रवेली का रहने वाला सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार दुर्ग एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया। रवेली ग्राम में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की संख्या में ग्रामीण जन एकत्र होकर श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। शहीद जवान राजेश कुमार ध्रुव को गॉड ऑफ ऑनर देते हुए तिरंगे झंडे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा के दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी बलराम बहरे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले सहित हजारों जन प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं शासन प्रशासन से यही चाहती हूँ कि मेरा अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अभी कुछ दिन में मेरा बच्चा भी आ जाएगा तो उसका लालन पालन के लिए और उसका सही ढंग से उसका पालन पोषण हो सके और मेरे घर परिवार का भी उद्धार हो सके। मेरे घर में मेरे सास ससुर और भाई बहन भी हैं, उनका भी सही तरीके से लालन पालन हो सके और डोकरी डोकरा रहन अद्धर हो जाथन। हमारे लिए पालन पोषण के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। एक बहू घर होती है, उसके बाल बच्चा को सभी को संभालना है तो इसी ये मैं सब हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसीलिए कि हमको देखभाल सही तरीके से और उसको किसी के तकलीफ नहीं आना चाहिए। हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और पूरे सम्मान के साथ में आज राजेश कुमार ध्रुव जी का पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा और पूरे सम्मान के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जिले वासी जो है पहुँच करके उनको सम्मान दिए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। कोबरा के 209 बटालियन में पदस्थ था, उनकी कंपनी, उनकी जो टुकड़ी थी वो नक्सल ऑपरेशंस करने के लिए वो जंगल में गई हुई थी। वे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे नक्सलियों के साथ में एनकाउंटर हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ। हमारा लड़का जो है बहादुर से लड़ा और उसी आईडी ब्लास्ट में जो है अत्यधिक खून बहने से उसका डेथ हुआ, शहीद हुआ। उसके कांस्टेबल राजेश कुमार हमारा 209 बटालियन के जवान थे और उन्होंने झारखंड में शहीद हुए हैं। उनके परिवार को राहत रस की तरफ से अभी फिलहाल जो है हमने इनका अंतिम क्रिया के लिए संस्कार के लिए 50,000 रुपये दे रहे हैं। बाकी आगे के लिए जो उनका देह है वो फिर तुरंत ही मिलता है।